जय हिंद वंदे मातरम कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जल विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2023 के लिए नई भर्तियों के बारे में जहाँ पे आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं आप सभी लोग आने वाली दो फरवरी दो तक घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डी यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट जैसी पोस्टें मिलेंगी जो कि आगे आपको नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया जाएगा यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपकी उम्र अठारह से लेकर पैंसठ साल की होनी चाहिए यह कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है आगे आपको बताया जाएगा कौन सी कंपनी है और कहाँ आपको जॉब मिलेगी कौन कौन सी पोस्टें हैं वेतन आपको अठारह हजार रुपए से लेकर पैंसठ का मिलेगा और सबसे अच्छी बात की बिना किसी एग्जामिनेशन के केवल और केवल स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे आप सभी का सीधा चयन होने वाला है तो जिन लोगों को यहां पे जॉब की नौकरी की सख्त जरूरत है और वो जल्दी से जल्दी नौकरी पाकर अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर अच्छे खासे वेतन पर काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे देने वाले हैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग दसवीं पास हैं पास हैं या है, या हैं या या डिप्लोमा है ग्रेजुएट तो आप लोग स्पीडो में जरूर बने रहें क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है है बाद में ये परमानेंट भी हो सकती मे चांस होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन चेकआउट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है साथ में आपको बता दिया वेतन काफी अच्छा है अठारह से लेकर पैंसठ हजार रुपए तक का तो आपको यहाँ पे वेतन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी सीधा चयन होगा डेट मैंने बता दी है बाकी की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से शेयर किया जाएगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में आखिरी तक बने रहें अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन वी आप तक सबसे पहले बिल्कुल फ्री में पहुँच सके चले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ पे डेट पे फोकस करेंगे तो हाल ही का नोटिफिकेशन है 18 अच्छा एक 2023 यानी कि 18 जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन है और इसके बाद आपको डायरेक्ट इस लाइन पे गौर करना है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर आप लोग इस लाइन पर गौर करेंगे तो सबसे पहले आपको टी पी प्रोजेक्ट का नाम मिलेगा उसके बाद आपको रूरल वाटर सप्लाई यानी कि जल विभाग यहाँ पे आपको सैनिटेशन भी मिलेगा साथ में यहाँ पर बताया गया रूरल वाटर सप्लाई सैनिटेल आपको अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे जहां पे आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी यहां पे पोस्टें देखने को मिलेंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके तो यहां पे आपको सीरियल नंबर और यहां पे पोस्ट नेम मिलेगी उसके बाद मैं वेतन और क्वालिफिकेशन के बारे में सेपरेट में जानकारी दे दूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर यहाँ पे टीम लीडर की एक्सपर्ट की वैकेंसी है जहां पे टोटल दो नंबर ऑफ वैकेंसी है सेकंड नंबर बात करें तो यहां पे आपको क्वांटिटी सर्वेयर या एक्सपर्ट की वैकेंसी मिलेंगी दो नंबर ऑफ वैकेंसी है थर्ड नंबर पे देखेंगे तो यहां पे आपको स्ट्रक्चुरल और इंजीनियर की एक्सपर्ट की चार नंबर ऑफ वैकेंसी है और इसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल कम इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी मिलेंगी जहाँ पे दो नंबर ऑफ पोस्टें हैं इसके बाद स्कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्सपर्ट की वैकेंसी दो ठो मिलेंगी दो नंबर ऑफ पोस्टें हैं और इसके बाद यहां पे नीचे आएंगे तो आपको और भी कई सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी नेक्स्ट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं रेसिडेंट इंजीनियर कम सीनियर वाटर सप्लाई इंजीनियर इंजीनियर की दस नंबर मटेरियल इंजीनियर की अगली पोस्ट है सात नंबर हैं और इसके बाद यहां से नीचे आएंगे वाटर सप्लाई कम सी इंजीनियर की पंद्रह नंबर वैकेंसी हैं और इसके बाद क्वान्टिटी सर्वेयर सेकंड की पंद्रह नंबर पोस्टें हैं देन बात करें, अगली पोस्ट की तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की पोस्टें मिलेंगी जहाँ पे 30 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं यहाँ पे आपको सर्वे इंजीनियर की पोस्टें मिलेंगी 15 नंबर ओ वैकेंसी हैं अगली पोस्ट आपको मिलेगी इलेक्ट्रिकल कम इंस्ट्रूमेंटेशनल इंजीनियर सेकेंड की पंद्रह नंबर ओ वैकेंसी है और इसके बाद साइट इंजीनियर की पोस्टें हैं अठारह नंबर ऑफ वैकेंसी हैं इसके बाद आपको अगली जो वैकेंसी मिलेगी साइट इंजीनियर सिविल की यहाँ पर आपको दो नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेंगी अगली पोस्ट है अकाउंटेंट और यहाँ पे असिस्टेंट की यहाँ पे आपको पाँच नंबर ऑफ पोस्टें मिलेंगी इसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट की यहां पे भी पांच नंबर ऑफ पोस्टें मिलेंगी इसके बाद यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की और यहां पे भी आपको पांच नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेंगी बात करें इन सभी के वेतन के बारे में तो आपको यहाँ पे मिनिमम पे आउट मिलेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कम से कम अठारह से लेकर यहाँ पे आपको मैं क्लियर बता देता हूं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे अठारह से लेकर बीस पर मंथ और यहाँ पे एज वगैरह सारी चीजें लिखी हैं और यहाँ पे अधिकतम मैक्सिमम आपको वेतन मिलेगा आप लोग देख पाएंगे पैंसठ हजार रुपए तक का वेतन है यहाँ पे देखे पैंतीस हजार से चालीस हजार का वेतन है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए और पचास हजार से पैंसठ हजार का वेतन है और सिक्सटी मैक्सिमम है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको एज उम्र उम्रेकआउट करनी पड़ेगी उसके बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे जो है तो आपका चयन होगा अगर आप लोग चार नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो आपको बताया गया है स्किल टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड टू शॉर्टलिस्ट शॉर्ट कैंडिडेट सबसे पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके बाद स्किल टेस्ट यानी आपके काम की परीक्षा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा इसके अलावा आपको जो उम्र है वो एक बारह दो से ही काउंट कर जाएगी यानी कि एक दिसंबर दो से और यहाँ पे आवेदन करने की आखिरी डेट देखिए यहां पर बताया गया दो हजार तेईस यानी कि दो फरवरी दो आवेदन करने की आखिरी डेट होने वाली है आवेदन करने का लिंक कहां से मिलेगा इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा तो दोस्तों आज की स्पीडो में हम बात कर रहे हैं जल विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्तियों के बारे में 2023 के लिए जहां पे बिना किसी एग्जामिनेशन के केवल और केवल स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के हिसाब से सीधी भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को दिखा दिया इन भर्तियों के लिए महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करेंगे दो फरवरी दो आखिरी डेट है आवेदन करने की फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है कहीं भी जिक्र नहीं किया गया नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं मिनिमम वेतन यहाँ पे जो आपका मीडियम लेवल रेंज में है यहाँ पे चालीस हजार रुपये तक दिया जाएगा और अठारह से लेकर पैंसठ साल तक के कैंडिडेट ऑनलाइन तरीके से आवेदन भी कर पाएंगे आवेदन आप आपको कैसे करना होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए आप लोग जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और जो है तो इस वीडियो में कुछ शेयर जरूर करिएगा चलिए नोटिफिकेशन और वेबसाइट पे चलते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा क्लिक करके आप लोग इस पेज पे आ सकते हैं यहाँ पे आने के बाद देख पाएंगे सरकारी एग्जाम डॉट .co को डॉट कॉम की वेबसाइट पे हैं गूगल पे जाके आपको डॉट को डॉट कॉम जरूर लगाना है सरकारी एग्जाम के बाद आपको ये पेज मिलेगा और सिर्फ ये वैकेंसी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी देखो यहाँ पे आप लोग बैब कोर्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट है दो के लिए जहाँ पे आपको टोटल वन यानी एक सौ पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर साइट इंजीनियर के साथ अदर पोस्ट वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं तो यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हैं 21 जनवरी 2023 से लेकर 2 फरवरी 2023 तक आपको आवेदन करने का समय दिया गया है इसके बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको पे पे पोस्ट जहां पे पोस्ट डिटेल मिलेगी सीरियल नंबर नेम टोटल वैकेंसी और उम्र यहाँ पे बताई गई है तो आप लोग आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं टीम लीडर की पोस्ट हो गई यहाँ पे क्वान्टिटी सर्वेयर की हो गई स्ट्रक्चुरल इंजीनियर की हो गई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की हो गई हाइड्रोलिक एक्सपर्ट की हो गई और

नोटिफिकेशन में दिया गया है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अठारह से पैंसठ साल तक की उम्र भी नोटिफिकेशन में दी गई है यहाँ पे आपका चयन स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा साथ में वेतन की बात करें तो अठारह से लेकर पैंसठ हजार तक का वेतन नोटिफिकेशन में दिया गया है आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है आप लोग निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी मिलेंगी जैसे कि यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करने का लिंक दिया गया है तो आप लोग चाहे तो आसानी से सारी चीजें देख सकते हैं और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं वेबसाइट में कमेंट का ऑप्शन इनेबल है और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे बाकी होम पेज पे और भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद